मुझे डराने आई थी ना, अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। मुर्दों को डर लगता है भगवान से, मुर्दों को नहीं। नीति इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि परी भूत बन के उसके सामने नाटक करेगी और वो सब कुछ कन्फेस कर देगी। वो पहले हर कोशिश करेगी, हर तिकड़म करेगी कि वो पता करने की कोशिश करे कि परी सच में भूत है कि नहीं। परिणीति सीरियल में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर इस बार हमारी पार्वती मैडम यानी कि परी जो है उसने पूरी तरीके से ठान लिया है कि वो नीति की सच्चाई सामने ले आएगी और इस बार उसका प्लान जो है पूरी तरीके से सेट है। तो इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर राजीव और गुरविंदर जो है वो बर्थडे पार्टी में गए हैं, तो भाई आधा परिवार जगराते में गया है और यहाँ पर घर पर कोई अकेले है तो वो है नीति। जी हाँ, इस बार नीति जो है वो घर पे पूरी तरीके से अकेली है और बात का जमकर फायदा उठाने वाली है हमारी परी। और यहाँ पर हमारी अंबिका मैडम जो है वो काफी ज्यादा डरी हुई हैं, घबरा रही हैं क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन है कि क्या इस बार परी जो है अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है और अगर नीति को पता चल गया कि भाई परी पार्वती है और फिर यहाँ पर नीति दोबारा से कोई नई चाल चलेगी और इस बार फिर से नीति की जीत हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर परी जो है वो अंबिका को समझाती है कि भाई किस तरह से उसका इस बार प्लान जो है पूरी तरीके से सेट है, कैसे उसने कैमरा सेट कर दिया है, कैसे उसने सारी प्लानिंग कर ली है और इस बार उसने ठान ही लिया है कि वो नीति की सच्चाई जो है सामने ला कर रहेगा। और इसी के साथ अंबिका के आशीर्वाद के साथ हमारी परी जो है वो निकल पड़ी है अपने मिशन पर। और इसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई पार्वती पहुंच चुकी है बाजवा हाउस में और इसी बीच यहाँ पर नीति तो अकेली है घर में और यहाँ पर मिशन जो है हमारी परी का स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर उसने पहला कदम ये उठाया है कि भाई वो घर में अपने पैर के निशान बनाती है, वो भी उल्टे, ताकि जब नीति पैरों के निशान को देखे तो उसे ये विश्वास हो जाए कि भाई ये चुड़ैल के ही भूत के ही पैर है, क्योंकि भूत के पैर उल्टे होते हैं। और यहाँ पर ठीक हमारी परी जो है उल्टे पैरों के निशान को बनाती है और इसी के साथ वहां पर हम देख रहे हैं कि भाई वो फ्यूज निकाल देती है जिसकी वजह से लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती है। और यहाँ पर नीति ऑलरेडी काफी डर चुकी है क्योंकि वो घर पर अकेली है, भाई मौसम भी आज हमारी परी के साथ में है। जी हाँ, यहाँ पर बिजली कड़क रही है, तेज तूफान है, हवा चल रही है और भाई यहाँ पर घर में अंधेरा हो गया है और अब यहाँ पर ऑलरेडी नीति की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई परी जो है अपनी चाल को स्टार्ट करती है और वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर नीति को डराते हुए नजर आ रही है। कहीं वो लाइट्स ऑफ कर रही है तो कहीं पैर के निशान बना रही है और बार बार वो लाइट्स को लेकर हमारी नीति को डरा रही है। तो इसी बीच यहाँ पर बाथरूम से भी उसे आवाजें आ रही है और यहाँ पर नीति बाथरूम के में जब जाती है तो वहां पर उसे पानी की जगह खून दिखता है और ये सब देखकर इस बार हमारी नीति मैडम की हालत जो है वो पूरी तरीके से पस्त हो गई है। जी हाँ, यहाँ पर इस बार परी जो है अपने मिशन में शायद इस बार अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होने वाली है। और वही कहानी में दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई गुरविंदर जो है राजीव को समझाते हुए नजर आ रही है, वो कहती कि भाई तुम्हें मान लेना चाहिए कि भाई पार्वती जो है वो परी बिल्कुल भी नहीं है, भले ही नीति मानती होगी उसको परी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्वती तो सिर्फ पार्वती है और परी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं राजीव के मन में अभी भी ये बसा हुआ है कि भाई पार्वती ही परी है। और इसी के साथ एक नया प्रोमो सामने आया जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर इस बार परी जो है वो नीति को हिप्नोटाइज करवाने की कोशिश करेगी और इसी बीच यहाँ पर नीति सारी सच्चाई उगलने ही वाली होती है कि भाई यहाँ पर दिलजीत जो है मौका रहते ही फूल के वास को गिरा देता है जिसकी वजह से भाई इस बार दोबारा से नीति बच गई है। लेकिन अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार हमारी परी अपने इस नए प्लान में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं।